हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि KDB लाइव ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप में सीमांचल सहित पूरे बिहार की तमाम तर खबरों को देख सकते हैं, खास करके अपने क्षेत्र अपने जिले की खबरों को देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि KDB लाइव की शुरुआत सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से हुई थी। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से फिर यूट्यूब में गए, यूट्यूब से फेसबुक में आए, फेसबुक से वेबसाइट में आए, वेबसाइट से अब KDV लाइव खुद का ऐप लॉन्च कर दी है। तो आप भी अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम तर खबरों को देखना चाहते हैं, या फिर आप जॉब से रिलेटेड न्यूज पाना चाहते हैं, या फिर लोन से जुड़ी हुई खबरें पाना चाहते हैं, या फिर योजना से जुड़ी हुई खबरें पाना चाहते हैं, तो इन तमाम तर खबर आपको KDV लाइव ऐप में मिलेगा। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए KDV लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और इसमें अकाउंट बना लीजिए। सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि KDV लाइव ऐप के माध्यम से आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके अगल पास कोई भी घटनाएं घटती हो या फिर आपका कुछ थॉट हो जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप KDV लाइव ऐप के माध्यम से ये काम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ये बात इसलिए बताना आपको जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं और KDV लाइव में अपना समाचार देना चाहते हैं, अपना खबर देना चाहते हैं, खबर देने के लिए हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो अब आपको किसी से भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ऐप के माध्यम से खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। आपका जो भी खबर होगा या फिर आप पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई कोई भी सोच रखते हैं और अपने सोच को अपने विचार को अपने नेता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप KDV लाइव ऐप के माध्यम से ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप KDV लाइव ऐप के माध्यम से खबरों को पोस्ट करते हैं तो आपको यहां पर तीन ऑप्शन दिया गया है। टेक्स्ट आर्टिकल विथ इमेज के साथ खबरों को पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट वीडियो भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं। यानी कि तीन ऑप्शन दिया गया है, आप तीनों के माध्यम से किसी भी के माध्यम से आप खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ KDV लाइव ऐप में आप एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, आप जाएंगे प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करेंगे KDV लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करेंगे और इसमें अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाना आपको जरूरी है, अगर आप अकाउंट नहीं बनाते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। सिर्फ आप खबरों को देख सकते हैं, दूसरे के खबरों को देख सकते हैं, लेकिन आप खुद से खबर को पोस्ट नहीं कर सकते अगर आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तो। सबसे जरूरी बात यह है कि इस ऐप में आपको जिले के खबर मिलेगा, क्योंकि ये लोकेशन वाइज ऐप है, यानी कि लोकेशन के हिसाब से काम करता है। आप जिस भी लोकेशन जहाँ के रहने वाले हों तो वहीं की ऑटोमेटिकली लोकेशन ले लेगा और आपको उसी एरिया की खबरों को दिखाएगा। अगर आप एरिया चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं और चाहते हैं कि हमको पूर्णिया की खबर दिखाई दे, तो वहाँ पर लोकेशन सेट करने का ऑप्शन है। आप पूर्णिया का लोकेशन सेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूर्णिया की खबर दिखाई देगी। तो बहुत सारी फंक्शन दी गई है, बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए आ जाए, KDV लाइव ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।